तो हाय फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल जी टेक प्रोहिंद में। और ये टोटल वीडियो जो है मैं उनको उनके लिए बना रहा हूँ जो कि बहुत ही कम गेमिंग करते हैं और फिर भी उनका जो है बैटरी बहुत ही जल्दी ड्रेन होता है, मतलब नॉर्मल यूज़र के लिए है। अगर आप जो है एक बहुत ही एक्सट्रीम गेमिंग करते हैं अपने फ़ोन पर तो उनके लिए ये वीडियो नहीं है, क्योंकि अगर आप गेमिंग करेंगे आपका बैटरी लाइफ बैटरी जो है कितना भी अच्छा, कितना भी ज़्यादा एमएच का हो या कितना भी अच्छा हो, लेकिन वो ज़रूर ड्रेन करेगा। ठीक है, जैसे कि पबजी जो है बहुत ही हाई ग्राफिक्स इंटेंसिव गेम है, अगर आप उसको बार बार खेलते हो अपने फ़ोन पे तो वो उसमें आपका फ़ोन का जो है बैटरी लाइफ वो इफेक्ट ज़रूर करेगा, आपका बैटरी बहुत ही जल्दी ड्रेन होगा देन नॉर्मल यूज़र। ठीक है, तो ये वीडियो जो है सिर्फ नॉर्मल यूज़र के लिए, जो पांच ऐसे टिप्स बताऊंगा कि कैसे जो है वो अपने बैटरी लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो पहला टिप्स जो है, अगर आप देखे होंगे कभी कभी आप जो है रिसेंट पैनल पे, मतलब रिसेंट्स पे आप बैकग्राउंड में बहुत सारा आपका ऐप्स रनिंग हो रहा होगा। जैसे कि मैं अपने रिसेंट्स पे गया हूँ, मेरा तीन ऐप्स जो है फ्लिपकार्ट थीम और सेटिंग्स जो है चल रहा है बैकग्राउंड में। ये थोड़ा सा जो बैटरी कंज्यूम कर लेता है, तो इसको ध्यान रखते हुए आप ज़रूर जो है, अगर आप बहुत सारे ऐप्स यूज़ कर चुके हो तो उसके बाद जो है रिसेंट्स ज़रूर क्लियर करना। ठीक है, और सेकेंड टिप्स जो है वो थोड़ा इम्पोर्टेंट टिप्स है, क्योंकि बहुत लोग जो है अपने वाईफाई, मोबाइल डाटा, जीपीएस, ब्लूटूथ या हॉटस्पॉट को, ये चार पांच चीज़ों को जो है ऑन करके रख लेते हैं, मतलब सारा दिन जो है ऑन पड़ा रहता है और उनका बैटरी लाइफ जो है बहुत ही ये चीज़ जो है बहुत ही अफेक्ट करता है। तो अगर आप मोबाइल डाटा, वाईफाई या हॉटस्पॉट, ऐसा जो है जीपीएस, इसको यूज़ नहीं कर रहे हो तो आप जल्द से जल्द इसको बंद कर दो। ठीक है, तो ये जो है बहुत ही अच्छी टिप्स है। ये बहुत ही बहुत ज़्यादा लोग इसको गलती कर लेते हैं, अपना जीपीएस और वाईफाई हॉटस्पॉट बिना बजाय जो है ऑन करके रख लेते हैं। तो इसके बाद जो है जो टिप्स है वो थोड़ा सा मेजर टिप्स है, क्योंकि बहुत लोग जो है एक गलती कर लेते हैं, जो है अपना ब्राइटनेस जो है ऑटो ब्राइटनेस पे सेट कर लेते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा बैटरी बैकअप आपका जो है ख़राब कर देता है। जैसे कि आप अगर ऑटो ब्राइटनेस को यूज़ करते हो तो मोबाइल का एक जो है सेंसर होता है जो कि आपके कैमरा के ऊपर जो है फ्रंट कैमरा के साइड में लगा होता है, वो जो है वो सेंसर जो है यूज़ होता है ऑटो ब्राइटनेस के टाइम में, तो वो जो है सेंसर बहुत ही ज़्यादा बैटरी लाइफ आपका यूज़ कर लेता है। तो ऑटो ब्राइटनेस में आपको नहीं रखना है, अपने हिसाब जो जो आप ब्राइटनेस सेट कर सकते हैं मैनुअली। ठीक है, तो उसके बाद जो है इसके बाद और एक इम्पोर्टेंट टिप्स मैं आपको बताना चाहूँगा कि कुछ लोग जो है गलती कर लेते हैं अपना जो है होम स्क्रीन पे या वॉलपेपर जो है 3D वॉलपेपर रख लेते हैं या लाइफ वॉलपेपर रख लेते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा बैटरी कंज्यूम करता है। तो आपको 3D या लाइफ वॉलपेपर नहीं रखना है, आपको सिंपल वॉलपेपर रखना है, जैसे कि मैं रखा हूँ, आपको सिंपल वही वॉलपेपर रखना है सिंपल सा, और कोई 3D वॉलपेपर या जो है लाइव वॉलपेपर नहीं रखना है। और जो है बहुत सारे लोग जो है थर्ड पार्टी ऐप्स यूज़ करते हैं, जैसे कि कोई सिक्योरिटी ऐप हो गया या बैटरी लाइफ बढ़ाने के लिए ऐप हो गया, वो आपको नहीं यूज़ करना है, क्योंकि वो जो है बैटरी लाइफ बढ़ाने के नाम पे सिर्फ आपका जो है कुछ ऑप्टिमाइजेशन भी नहीं करता है, वो सिर्फ आपका बैटरी ड्रेन कर लेता है। ठीक है, तो उसके बाद जो है कौन कौन से ऐप आपको ध्यान रखना है जो है ज़्यादा बैटरी आपका जो है कंज्यूम कर रहा है। तो अगर आप सेटिंग्स में जाएंगे, आपका इंस्टॉल्ड ऐप्स पे जाएंगे, तो आप देख सकते हैं सारा जो है ऐप्स जो है कौन कौन सा ऐप आपका ज़्यादा से ज़्यादा बैटरी बैकअप ले रहा है, तो आप उसको देख सकते हैं। और अगर आपको वो ऐप नहीं चाहिए तो आप वो ऐप को बंद कर सकते हैं या अनइंस्टॉल जो है कर सकते हैं। तो और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरे चैनल पे जो है 200 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए हैं, जो कि बहुत ही बड़ी बात है मेरे लिए, और ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा। जिन्होंने भी मेरा चैनल जो है सब्सक्राइब किया है तो उनके लिए बहुत ही बड़ा थैंक यू मैं बोलना चाहूँगा, तो ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।